ये अच्छा निभाया तुमने। मैं जानता था कौन सी और यही थी। सब अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं, सब कार्यक्रम में व्यस्त हैं। हमारा नेता कैसा हो? रूपी संधू जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? रूपी संधू जैसा हो। रूपी संधू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नो और इसमें नीचे उतर के आ रहे हैं हल्ला चिल्ली करते हुए। और सर लुक नॉर्मल होगा, चलो कोई नहीं देखा। और अचानक से देखी तेजो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। यार जहाँ उडारिया में हम देख रहे हैं कि फतेह और तेजो के बीच की दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं, तो साथ ही साथ जहाँ परिवारों के बीच की लड़ाई है, क्या वो लड़ाई अब सियासी लड़ाई बनने जा रही है? क्या पॉलिटिक्स में घुसेंगे रूपी संधू? जी हाँ यारों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे एमएलए खुशबीर सिंह को तो हम जानते हैं कि वो पॉलिटिक्स में ऑलरेडी हैं, तो साथ ही साथ अब पॉलिटिक्स में कदम रखने जा रहे हैं रूपी संधू। जहाँ अब हमें कुछ पॉलिटिक्स रिलेटेड सीन्स देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर अब रूपी संधू की भी पार्टी खुशबीर अंकल के सामने खड़ी होगी। जहाँ इस सीन में हम देखने वाले हैं कि फतेह और तेजो फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे। क्या पॉलिटिक्स में आने की वजह से दोनों के परिवार के बीच में और ज़्यादा हो जाएंगी दूरियां? कहानी एक नया मोड़ लेने जा रही है, क्या फिर से इतिहास दोहराया जाएगा? आप कितना एक्साइटेड है जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। मैं आपसे फिर मिलूंगा और अपडेट्स के साथ। बाय, टेक केयर।